इतना छोटा सोच अनिकेत का नहीं है। मैं अपने लिए नहीं सोच रहा हूँ, मैं पूरे बिहार के लिए सोच रहा हूँ। मैं उस प्रयास में लगा हूँ कि केवल अनिकेत नहीं मिले, बहुत जल्द मनीष कश्यप से पूरा बिहार मिले, पूरा बिहार का नौजवान मिले। हम वो प्रयास करने में लगे हुए हैं। मनीष कश्यप इतना बेकार है, इतना फालतू है, इतना आदतन अपराधी है, आतंकवादी है, तो आतंकवादी का आदतन अपराधी का नाम ले लेके हमारा चेहरा चमक कह रहा है, डाउन हो जाना चाहिए। मनीष कश्यप आतंकवादी है, दो राज्यों को लड़ाने का काम किया है, शांति भंग करने का काम किया, आदतन अपराधी है, बहुत खराब है, नियत अच्छा नहीं है। मनीष कश्यप बहुत बेकार है। इकाई में मारपीट होता था दो गो लड़का में, तो एक बड़ा पटक देता था, एक बड़ा हार जाता था, तो जो हार जाता था वो गरियाता था। महासभा का आयोजन हम लोग करेंगे पश्चिमी चंपारण में। सत्याग्रह 2 में कोई हड्डी फेंकने का राक्षस काम किया है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रयास तो बहुत सारे ज्यादा किए हैं। चंपारण की धरती से महात्मा गांधी 1917 में सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किए थे, और फिर से सत्याग्रह 2 का नेतृत्व करने वाले सन ऑफ किसान अनिकेत रंजी हमारे साथ हैं। सबसे पहले सत्याग्रह 2 का प्रारंभ करने में कितना कठिनाई है? कठिनाई हमने इसलिए पूछ रहे हैं कि उस समय जब महात्मा गांधी को इतनी कठिनाइयाँ हुई, तो आज कलयुग है, कलयुग तो पहले भी था, देश आज़ाद होने के बाद लोग यह कहते हैं कि नेतृत्व करने वाले, अच्छे काम में आगे बढ़ने वाले को बहुत ज़्यादा टाइम खींचा जाता है। आपके साथ क्या हुआ? देखिए, कठिनाई तो पहले भी होती थी लोगों को अच्छा काम करने में। महात्मा गांधी से भी पहले अगर आप जाने का कोशिश करेंगे, तो जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो उसमें भी राक्षस सब जाके कहीं मांस का टुकड़ा फेंक देता था, हड्डी फेंक देता था। उस समय विघ्न बाधा डालने वाले कुछ लोग होते थे। जब समय बदला, जब गांधी जी का मामला आया, तब अंग्रेज आ गए थे। अंग्रेजों के भ्रष्टाचार, अंग्रेजों के मतलब कठिनाई, तकलीफ, दर्द जो देते थे, उससे उनको लड़ना पड़ा, देश को आज़ाद कराने के लिए उनको लड़ना पड़ा। उस समय सत्याग्रह जो उन्होंने शुरू किया चंपारण की धरती पर, तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने उनका समर्थन किया, लेकिन विरोध भी कुछ लोगों ने किया था, भीतरघात भी कुछ लोग करने का काम किया था। अच्छा, आपने भी सत्याग्रह 2 में कोई हड्डी फेंकने का राक्षस काम किया है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रयास तो बहुत सारे ज़्यादा किए हैं, तो उसमें भी थोड़ा चेंज हुआ है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि आप पर गलत आरोप लगा रहे हैं, आपका ध्यान भटकाने का कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं कि हो तो हो कुछ नहीं रहा, लेकिन हल्लाबाजी ज़्यादा कर दे रहे हैं। कुछ जब किसी को कोई सबूत नहीं मिल रहा है, किसी को कोई व्यवस्था नहीं मिल रहा है कि इनको डिस्टर्ब किया जाए, तब जाके क्या कर रहे हैं, ओ यहाँ तो रैली में तो लोग ही नहीं था, दसे लोग था। जब कहीं से कोई व्यवस्था नहीं मिला, इन लोगों का पहले मानसा था कि रैली में भगदड़ मच जाए, रैली में FIR हो जाए, लाठीचार्ज हो जाए, लोग जेल चले जाए और लोगों की गिरफ्तारी हो जाए। जब इन लोगों का कुछ नहीं चला, तब इन लोगों ने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो भाई उस राक्षस बुद्धि का जो लोग है, तो उन्होंने सोचा कि आप क्या क्या अब क्या हम करते हैं, इनको बदनाम किया जाए। रैली में तो 10 लोगे था, रैली में खाली यूट्यूबर था, रैली में फलाना लोग है ये नहीं था, ये था वो था, 50 किस्म की बात। लेकिन हम सत्याग्रह की धरती से जितने भी लोग जुड़े हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी ने एक सच की प्रतिष्ठा बचाने में अपना योगदान दिया, और रैली जो हुआ ग्रैंड रैली हुआ, और मतलब जितना सोच नहीं सकते तो उससे ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचे, अनगिनत आप काउंट नहीं कर सकते थे, इतना लोग वहाँ उस रैली में थे, निश्चित रूप से थे। और माता जी उनकी है, उनका आशीर्वाद लिया, उनके भाई का समर्थन मिला, साथ मिल रहा, बहुत अच्छा से चल रहे हैं। अभी भी बेतिया में हम लोग लगभग 20 से ज़्यादा गांव बेतिया मतलब पश्चिमी चंपारण में हम लोग घूम चुके हैं। 8-10 और मतलब जगह जो हम लोग को चिन्हित हमने किया है, वो हम घूम रहे हैं। कुछ लोगों ने बताया कि घूम रहे हैं तो बता क्यों नहीं रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको प्राइवेसी भी रखा जाता है, किन्हीं कारणों से, सुरक्षा कारणों से हम उस चीज़ को नहीं बता पा रहे हैं हम जगह, क्योंकि कहीं भी जिला जैसा जिला हेडक्वार्टर में हमने सत्याग्रह का रैली निकाला 27 तारीख को, तो उसके पहले का जो 25 दिन का हमारा मेहनत था, हम 25 दिन लोगों के पास घूमे थे, भाइयों से मिले थे, सबको जानकारी दिए थे, तब सभी लोग आए थे। तो पश्चिमी चंपारण में भी हम लोग घूम रहे हैं, कुछ जगह बाकी है, वहाँ पर भी चिन्हित हम लोग किए, वहाँ भी जाना बाकी है, 2-3 दिन में क्लियर कर लेंगे। और महासभा का आयोजन हम लोग करेंगे पश्चिमी चंपारण में, एक जगह होगा, एक चिन्हित करेंगे, एक समय होगा, तारीख होगा, एक दिन होगा, कौन कौन भी उपस्थित होंगे, बहुत जल्द हम उसके बारे में हम सभी लोगों को वीडियो जारी करके उसके माध्यम से बताने का काम करेंगे। महात्मा गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए थे, उन पर आरोप लगता था कि सामाजिक अंग्रेजों से मिले हुए हैं, जैसा कि आप मनीष कश्यप के लड़ रहे हैं सत्याग्रह 2 आंदोलन करके, एक लोगों से मांग कर रहे हैं कि मनीष कश्यप के कामों को दिखाया जाए, मनीष कश्यप को क्या चीज़ था वो बताया जाए, तो आप पे भी आरोप क्या लग रहा है कि हम मनीष कश्यप के आर में चेहरा चमकाना चाह रहे हैं? हम उसी पे आ रहे हैं। देखिए, जब ना होता है कि जब लड़काई में मारपीट होता था दो गो लड़का में, तो एक बड़ा पटक देता था, एक बड़ा हार जाता था, तो जो हार जाता था वो गरियाता था, समझे? तो वही काम इन लोगों के द्वारा हो रहा है। इन लोगों तो न रैली रोक पाए हमारा, न हमारा यात्रा रोक पाए, ये जो कुछ लोग जो चंद लोग जो हैं, क्योंकि मैं प्रशासन का सम्मान करता हूँ, प्रशासन से परमिशन लेकर कुछ कर रहा हूँ, तो प्रशासन से हमको डरने की जरूरत नहीं है, प्रशासन तो हमारे सुरक्षा में खड़े हैं,
प्रशासन तो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम उससे क्यों डरेंगे। और रही बात ऐसे ऐसे लोगों की, चेहरा चमकाने वाली बात, हाँ देखिए ये दोहरी मानसिकता किसको कहते हैं, हमने कहा भोजपुरी में करा के दूसरे चीज़ कहा जाला, आप समझ रहे हैं, वो लोग भी समझ जा गया होगा। ये दोहरी मानसिकता के जो लोग हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि मनीष कश्यप आतंकवादी है, दो राज्यों को लड़ाने का काम किया है, शांति भंग करने का काम किया, आदतन अपराधी है, बहुत खराब है, नियत अच्छा नहीं है, मनीष कश्यप बहुत बेकार है। ए भैया, तो जब मनीष कश्यप इतना बेकार है, इतना फालतू है, इतना आदतन अपराधी है, आतंकवादी है, तो आतंकवादी का आदतन अपराधी का नाम ले लेके हमारा चेहरा चमक कह रहा है, डाउन हो जाना चाहिए। खराब आदमी का सपोर्ट करने पर चेहरा डाउन ना होना चाहिए। आज आतंकवादी, अगर किसी पाकिस्तान से कोई आतंकवादी है, अब उसका समर्थन करिएगा तो आप जेल जाइएगा कि नहीं जाइएगा, आपका चेहरा खराब होगा कि नहीं, पूरा देश में कहीं कोई नहीं बैठने देगा। लेकिन हमारा हर जगह सम्मान हो रहा है, हर जगह प्रतिष्ठा बढ़ रही है, फॉलोअर बढ़ रहे हैं, सभी लोग देखना पसंद कर रहे हैं, सभी लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। क्यों? मनीष का सब अगर गलत था तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, तो भैया मेरे आप ही अंदाज़ा लगा लो कि सही कौन है और गलत कौन है। अच्छा, अभी एक और चीज़ जानना चाहेंगे, अब मनीष कश्यप से जुड़े मामलों का जो भी अपडेट आ रहा है, लगातार अपने वीडियो के माध्यम से जो लोग आपसे फ़ोन कॉल पे भी बात करते हैं, अपडेट देते रहते हैं, जिस माध्यम हो, जो भी जरिया हो, अपडेट देते रहते हैं, लेकिन अभी तक जानना चाहेंगे, 2.5 महीने से 3 महीने लगभग हो चुके हैं उनको जेल में गए हुए, उन पर कानूनी प्रक्रिया तमिलनाडु प्रकरण उन पर हावी हुए, अभी तक क्या अपडेट है, क्लियर बताइएगा। देखिए सीधी सी बात है, वहाँ के भी हाई कोर्ट वगैरह में जो याचिका दायर करनी है उसकी पूरी प्रक्रिया हो गई है, कुछ प्रक्रिया आगे भी बढ़ी हुई है, और कुछ विशेष ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, जरूरी चीज़ है, प्राइवेसी भी है, कुछ जो न्यायिक प्रक्रिया, कुछ ऐसा चीज़ लोग जानने के ज़्यादा उत्सुक उनके दर्शक उन्हें, सभी को बस इतना ही कहना चाहते हैं कि समर्थन जो कर रहे हैं मनीष कश्यप का, जो समर्थन जो करोड़ों लोग आज बिहार में कर रहे हैं, अपना समर्थन बनाए रखिए और अपना आशीर्वाद भी बनाए रखिए। निश्चित रूप से हम लोग को न्यायालय पर भरोसा है, और वही न्यायालय बहुत जल्द NSA हटाएगा और मनीष कश्यप बिहार का बेटा बिहार में आने का काम करेगा। और फिर से हाँ, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत खाली वीडियो बना रहे, सपोर्ट कर रहे हैं, आप काहे नहीं जा रहे हैं मनीष कश्यप से मिलने, ये लोग कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं आप काहे नहीं जा रहे हैं मिलने, आप काहे नहीं जा रहे हैं मिलने। तो ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, मेरे लिए मनीष कश्यप के पास जाना, मुलाकात करना चुटकी का काम है। मैं आज टिकट कटाऊंगा फ्लाइट से जाके वहाँ, मनीष कश्यप से गुरुवार है कल, जाके मिल के चलाऊंगा। लेकिन नहीं, इतना छोटा सोच अनिकेत का नहीं है, मैं अपने लिए नहीं सोच रहा हूँ, मैं पूरे बिहार के लिए सोच रहा हूँ, मैं उस प्रयास में लगा हूँ कि केवल अनिकेत नहीं मिले, बहुत जल्द मनीष का सबसे पूरा बिहार मिले, पूरा बिहार का नौजवान मिले, हम वो प्रयास करने में लगे हुए हैं। अच्छी तरह टिकट कटा के अकेले ना हम जाके मिल लेंगे, कहा होगा उससे मिल लेंगे, ठीक है। रही बात मनीष कश्यप का दुख तकलीफ जो है, जो किस कष्ट में उस जेल में है, वो कष्ट ना किसी न किसी के माध्यम से तो सुनने को तो मिल ही रहा है, हम तो उसके लिए यात्रा पर निकल गए हैं। हम जब भी हमको समय मिल रहा है, अपना काम एक आध दो घंटे के लिए जो इमरजेंसी है वो कर रहे हैं, नहीं तो फिर भी जाके हम यात्रा में शामिल हो रहे हैं, लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास है कि मनीष कश्यप से पूरा बिहार को मिलवाए, न कि अकेले जाके तमिलनाडु के मदुरई सेंट्रल जेल में उसका मुलाकात करें, जी नहीं, मेरा लक्ष्य है मनीष कश्यप से पूरे बिहार को मिलवाना, पूरे बिहार को मिलवाना, एक एक लोगों से मिलवाना। केवल अनिकेत का जाके मिलने का लक्ष्य रहता तो कब का टिकट कटाए होते, कब का जाके भेंट करके चले आए होते। तो ऐसे ऐसे लोग, आप लोग तो विरोध करना है, करिए, आप लोगों तो कहीं से मुद्दा खोजिए लीजिएगा, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं आपसे कि सरकार और कानून का हम सम्मान करते हैं, और वही सरकार, वही कानून, वही संविधान, वही कोर्ट हमें न्याय देगा, और बिहार का बेटा बहुत जल्द बिहार की धरती पर आने का काम करेगा, आप देख लीजिएगा। इतना विश्वास हमको है हमारे संविधान पर, कानून पर। लास्ट सवाल, जिस दिन आपका रैली निकला था, हमने भी देखा था, उस रैली में हमने शामिल भी हुआ था, ज़्यादा लोग जो तथ्य निकल कर रहे थे, कवरेज करने के पूरी प्रयास थी, कोशिश जहाँ तक हुआ हमने कवरेज किया भी। एक सवाल, जैसे ही आपका रैली समाप्त होता है, शाम को निशांत वर्मा, जो मनीष कश्यप FIR दर्ज किए हुए हैं, उनका एक वीडियो जारी होता है, उनको कोई ना कोई यहाँ के सूचना देते हैं, या हो सके उन सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना आपके बारे में, चाहे रैली के बारे में निकाले होंगे, आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि एक यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर को, माने एक यूट्यूबर आप होगा और दूसरा यूट्यूबर मनीष कश्यप होगा, ऐसा उनका स्टेटमेंट होता है कि पैसा कमाने के जरिए मनीष कश्यप के आर में पैसा कमाने रास्ते पर निकल चले, रैली निकाले नहीं, बेरोजगारी का आलम बिहार में है, देखिए मोदी जी, ऐसा तरह का स्टेटमेंट यूज करते हैं, तो क्या उस वह रैली का मेन उद्देश्य पैसा कमाना था? कम से कम उस रैली का मेन उद्देश्य पैसा कमाना कहीं से नहीं था। पैसा कमाना होता तो उस रैली के 10 दिन पहले से एगो अकाउंट नंबर जारी करते हैं, लोगों को कहते थोड़ा रैली में मदद करिए, मदद करिए, मदद करिए, तो हमको लगता है कि लोग पीछे नहीं हटा तभी लोग मदद करता। लेकिन पूरे रैली के खर्चे के लिए क्या एक रुपया भी अनिकेत ने मांगा किसी से? इवन मनीष कश्यप के परिवार ने मदद मांगा है अभी किसी से? कहीं से किसी से नहीं। तो पैसा कमाने का जरिया बहुत है,
पैसा कमाने के लिए मैं मेहनत करता हूँ, मैं मेहनत से कमाने का काम करता हूँ, और जो मैं काम करता हूँ, जो बिजनेस करता हूँ, उसमें मेहनत से कमाता हूँ, और मुझे लोग और लोगों की तरह दलाली करने का शौक़ नहीं है, और ना मैंने कभी दलाली किया है, मैं ईमानदारी से काम करता हूँ। एक शिक्षक था तभी ईमानदारी से कमाता था, और आज एक व्यवसाय का भी क्षेत्र है, व्यवसाय में व्यवसाय करता हूँ, वहाँ भी ईमानदारी से कमाने का काम करता हूँ। तो पैसा कमाने का और पैसा का जरिया का आरोप हम पर नहीं लगाएगा तो ये चलने वाला किसी का नहीं है। और रही बात रैली की, अगर लोग कह रहे हैं, अगर उस रैली की देखिए, एक तरफ तो लोग कुछ लोग कह रहे थे कि 10 लोग हैं, तो फिर निशांत वर्मा कैसे कह रहे हैं कि देख लीजिए ये भीड़ रैली में कितना बेरोजगार है बिहार में, मोदी जी देख लीजिए। तो मोदी जी को दिखाने के लिए रैली में टाल भीड़ था, आज जब अपना पर आ रहे थे रैली में 10 लोग भीड़ था। वाह वाह निशांत भैया, कम से कम निशांत भैया का हम इस बात पर समर्थन कर रहे हैं कि निशांत भैया ने सही जानकारी लोगों को बताया कि रैली में बहुत सारा लोग था, और उस भयंकर भीड़ को निशांत वर्मा जी मोदी सरकार को दिखा के कर रहे हैं, देखिए मोदी जी कितना बेरोजगारी का आलम है बिहार में। तो बहुत बहुत धन्यवाद निशांत भैया, कम से कम आप बिहार के लोगों को कम से कम सच्चाई दिखाने का काम किया कि रैली में बहुत ज़्यादा लोग थे, 10 लोग नहीं था। तो ऐसे ऐसे जो यहाँ के जो लोग जो माला लेकर जप रहे थे, 10 लोग, वैसे लोगों को निशांत वर्मा जी ने ही जवाब दे दिया, जैसा कि आप कह रहे हैं। अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो जवाब वही हो गया, सीधी सी बात है। और रही बात निशांत वर्मा जी के बारे में, मैं बोलना भी बंद कर दिया हूँ। निशांत वर्मा जी का विरोध तो मैंने खैर कभी किया ही नहीं है, एक चीज़ तो जरूर मैंने वादा किया है निशांत भैया से कि जिस दिन मनीष कश्यप निकलेगा, भैया आप कहीं रहिएगा, पहला मिठाई रसगुल्ला जो है होता है, हमने यहाँ रसगुल्ला होता है, मीठा मुँह मीठा किया, सबसे पहले का मिठाई हिंदुस्तान के कोनों कोना में रहिएगा, पहुँच के आपको मिठाई खिलाने का काम करेंगे मनीष कश्यप की रिहाई का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी मुद्दे पर बात करने के लिए। अभी हमारे साथ है सत्याग्रह टू के नेतृत्व करने वाले सन ऑफ किसान के नाम से जाने वाले अनिकेत रंजन जी, और मनीष कश्यप से जुड़े मामलों का अपडेट हम ले रहे थे, और जितने भी आरोप इन पे लग रहे हैं उन सभी चीज़ों को जानने का प्रयास किया। बाकी आप सारा न्यूज़ देख रहे थे। वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, जय हिंद, जय बिहार।